देश के बड़े कारोबारी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट ने शुक्रवार को अडानी एनोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि AEC TPL की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया है। अडानी पोर्ट ने इसके लिए मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी मुंडी लिमिटेड से समझौता भी किया है। अडानी पोर्ट AEC TPL की 49% हिस्सेदारी बेचेगा। इस शिपिंग कंपनी मुंडी के साथ ये डील 247 करोड़ में हुई है। ये समझौता 14 दिसंबर 2023 से लागू भी हो चुका है। इस डील के बाद AEC TPL की वैल्यू 1211 करोड़ रुपए हो गई है। डील में हुए लेन देन 3 से 4 महीने में पूरे भी हो जाएंगे। बताते चलें कि अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि AIC TPL के साथ जॉइंट वेंचर के बाद TIAL के साथ अडानी पोर्ट्स की ये दूसरी रणनीतिक साझेदारी है। प्राइवेट बंदरगाह के नाम से पहचान रखने वाले मुद्रा पोर्ट पर अडानी पोर्ट CT3 कंटेनर टर्मिनल को चलाती है। मुंडी लिमिटेड टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यानी कि TIL की एक इनडायरेक्ट सब्सिडियरी कंपनी है और मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी यानी कि MSC की एक सहयोगी है। वहीं अगर इस डील की बात करें तो कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि इस समझौते के पूरा होने के बाद अडानी पोर्ट्स के पास AEC TPL में 51% हिस्सेदारी होगी। बता दें कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित AEC TPL ने FY23 में 0.55 मिलियन 20-foot equivalent units को संभाला है, जबकि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में ही इस कंपनी ने 0.45 मिलियन TEUs को संभाला है। वहीं अगर अडानी पोर्ट्स के शेयरों की बात करें तो शुक्रवार को कंपनी का शेयर 1077 रुपए के आसपास बंद हुआ है। अडानी ग्रुप में लगातार कोई ना कोई न्यूज आती ही रहती है और हाल ही में अडानी स्टॉक्स में एक तगड़ी रैली भी देखने को मिली थी। अब आने वाले समय में इन शेयरों में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आपको शेयर बाजार से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जागरण बिजनेस को जरूर फॉलो करें। We'll be right back.